बड़ी कवरेज। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की अब से कुछ देर बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होने वाली है। सबकी निगाहें उनके साथ होने वाली इस मुलाकात पर टिकी हुई है। मोदी और कमला हैरिस के बीच पहली बार बैठक हो रही है जिसमें यूएस और भारत के संबंधों पर बातचीत होगी और साथ ही साथ आर्थिक मसलों से लेकर तमाम ऐसे मसले होंगे जिन पर चर्चा होगी। और ये जो निर्धारित कार्यक्रम है वो है 12:45 पर 1:15 के आसपास ये कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है और पहला बार ऐसा होगा जब ये मुलाकात होने जा रही है। कुछ ही देर में कमला हैरिस से मुलाकात होगी। अभी थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई जिसमें प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात कर रहे थे और तमाम महत्वपूर्ण मसले जिसमें सुरक्षा से लेकर और दूसरे कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर बातचीत हुई है। ये द्विपक्षीय मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के पीएम और प्रधानमंत्री मोदी की हुई और अब कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं उनके साथ भी ये मुलाकात होनी है। ये भी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात और ये पहली बार होने वाली है। इसके साथ ही कल जो बाइडेन से भी ये मुलाकात होनी है जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। ये पूरा जो मुलाकात का सिलसिला है आज प्रधानमंत्री का अगर हम बात करें तो उन्होंने शाम के वक्त में 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के मायने आप इस लिहाज से समझिए कि भारत को पूरी दुनिया एक बड़े और सुरक्षित बाजार के तौर पर देखती है और उस सुरक्षित बाजार में निवेश की कई संभावनाएं हैं जिसमें सुरक्षा सेना और डिफेंस से जुड़े हुए निवेश तो हैं ही, साथ ही साथ और भी कई तरह के निवेश को लेकर इन सीईओ से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सकारात्मक रुख इन सीईओ कर रहा है जिसमें इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई जिसमें सुरक्षा के साथ साथ आपसी सहयोग पर बातचीत हुई और अब इंतजार उस मुलाकात का जिस पर निगाहें हैं पूरी दुनिया की। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, भारतीय मूल की कमला हैरिस से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है और इसके साथ ही इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर तो बात होगी ही, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं और साथ ही इस पूरी मुलाकात के बाद जो महत्वपूर्ण मसले मौजूदा वक्त के हम बताएं उसमें कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला अमेरिका दौरा जिसमें वो जो बाइडेन से तो मिलेंगे ही, इनकी मुलाकात लगभग 14 बाद कमला हैरिस से होने वाली है जो कि उपराष्ट्रपति हैं और साथ ही एक बड़ी कूटनीतिक सलाहकार है जो बाइडेन की और इस मुलाकात के साथ ही आप ये समझ लीजिए कि कमला हैरिस जो बातचीत करती हैं और उनसे बातचीत के बाद जो पॉइंटर्स सामने आते हैं उस पॉइंटर्स के आधार को ही आगे बढ़ाकर जो बाइडेन से मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। राइट विंग के खिलाफ मानी जाती है कमला हैरिस। इसके अलावा कश्मीर में पाबंदियों का उन्होंने विरोध किया था और अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्होंने ये विरोध अपना दर्ज करवाया था। आलोचक रही है कमला हैरिस, हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी वो नहीं गई थी और आलोचक रहते हुए अब मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें विश्व गुरु कहा जाता है उनसे मुलाकात हो रही है। उनके इस मुलाकात के अपने अलग मायने हैं क्योंकि एक बड़ी रणनीतिकार के तौर पर देखी जाती है अमेरिका में और जो बाइडेन के बेहद करीब सलाहकारों में से एक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होने वाली है। सबसे बड़े निवेश वाली मोदी की नीति आगे उन्होंने बढ़ाते हुए अब इंतजार कमला हैरिस से मुलाकात का और कमला हैरिस के बाद जब मुलाकात अगली होगी तो अमेरिका जिसे सुपर पावर कहा जाता है उनकी सबसे बड़ी शख्सियत जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात होगी। मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की सीईओस के साथ जो बैठक हुई, दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के सीईओस के साथ जो बैठक हुई उसमें डिफेंस से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और साथ ही निवेश के तौर पर कई बड़े आयाम आप आने वाले दिनों में देखेंगे। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, पहली दफे प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात को लेकर लगातार अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कोरोना काल एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जिस पर चर्चा होगी। तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बनी उस पर भी एक बड़ा कुछ फैसला होने की उम्मीद और उस नजरिए को भी समझने की कोशिश इस